Hello students, welcome back. As you know that in our previous class we have completed chapter number 1 Vedic Mathematics. So today we will start a new chapter, a very important chapter for us. Bahut hi easy, bahut hi simple aur bahut hi aasan sa chapter. Chapter number 17. A very important chapter for us, for each and every student. Kafi important hai chapter number 17, measures of central टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे. ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहली बात तो काफी इजी चैप्टर है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और सेकंड थिंग कि यहां से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का आता है, डेफिनेटली आता है, 100% आना है कि यहां से तो क्वेश्चन आए ही आएगा, और एक ही जैसे सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपसे मीन पूछ लिया जाएगा, मीडियन पूछ लिया जाएगा और मोड पूछ लिया जाएगा. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17. चैप्टर सेवनटीन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एक्चुअली वी हैव मैनी मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमें काफ़ी टाइप के हमारे सामने है, एवरेज है, क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, डेविएशन है, मीन डेविएशन है, काफ़ी टाइप के हमारे हैं, बट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में जो है वो हम केवल स्टडी करने वाले हैं एवरेज की. इसकी ओनली एवरेज, केवल एवरेज के बारे में हम पढ़ेंगे. एवरेज एक्चुअली एवरेज इज ऑफ टू टाइप्स, मैथमेटिकल एवरेज एंड सेकंड वन इज एवरेज ऑफ पोजीशन. अगेन द मैथमेटिकल एवरेज इज ऑफ थ्री टाइप्स, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन. इसमें से ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में जो है वो केवल है अरिथमेटिक मीन, तो उसी का हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. एंड देन द सेकंड इज एवरेज ऑफ पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीन अकॉर्डिंग टू पोजीशन, मीडियन एंड मोड. तो यहाँ पे मोस्टली इस पूरे चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं 3 पॉइंट्स, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. सो लिखते हैं हम यहाँ से, पहले इसकी जो कुछ थ्योरी है थोड़ी बहुत वो लिख लेते हैं. टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, इसमें भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एवरेज. एवरेज के ऑर्डिनरीली एवरेज is of two types. कितने type का होता है, average is of two types. First is mathematical average, first है mathematical average एंड द सेकेंड इज एवरेज ऑफ पोजिशन. एवरेज के बारे में हम लोगों ने काफी पढ़ा है छोटी क्लासों में. एवरेज इज ऑफ टू टाइप्स, मैथमेटिकल एवरेज एंड एवरेज ऑफ पोजिशन. अगेन मैथमेटिकल एवरेज इज ऑफ थ्री टाइप्स, मैथमेटिकल एवरेज, द मैथमेटिकल एवरेज इज ऑफ थ्री टाइप्स. कौन कौन सा टाइप है, फर्स्ट इज एरिथमेटिक मीन, मीन्स ए एम. सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक मीन,
इट मीन्स जी एम एंड सी इज हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन मीन्स एस एम. ठीक है, इसकी बात करें हम बात कर रहे हैं एवरेज. ठीक है, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें भी हम बात कर रहे हैं किसकी, एवरेज की. एक्चुअली और एवरेज इज ऑफ टू टाइप्स, मैथमेटिकल एवरेज एंड द सेकंड इज एवरेज ऑफ पोजीशन. नाउ द मैथमेटिकल एवरेज इज ऑफ थ्री टाइप्स, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. इनमें से ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ये दोनों ही हम नहीं करने वाले हैं, इन दोनों का ही स्टडी हम नहीं करेंगे. हमारे जो सिलेबस में है वो है केवल एरिथमेटिक मीन. हम केवल एरिथमेटिक मीन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ये दोनों हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. द सेकेंड इज एवरेज ऑफ पोजिशन. एवरेज ऑफ एंड एवरेज ऑफ पोजिशन इज ऑफ टू टाइप्स, मीडियन एंड मॉड. मीडियन एंड मॉड, और ये दोनों ही हमारे सिलेबस में है. तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इन चैप्टर नंबर 17, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया, चैप्टर नंबर 17 जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, और वो कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, है ना. ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में स्टडी करेंगे हम एवरेज की. एवरेज इज ऑफ टू टाइप्स, मैथमेटिकल एवरेज एंड एवरेज ऑफ पोजिशन. अगेन द मैथमेटिकल एवरेज इज ऑफ थ्री टाइप्स, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर नॉट इन आवर सिलेबस, सो वील नॉट स्टडी अबाउट दिस. वी विल स्टडी ओनली अबाउट एरिथमेटिक मीन. देन द एवरेज ऑफ पोजिशन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, मीडियन एंड मॉड. तो इन दोनों का भी हम यहाँ से स्टडी करने वाले हैं. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे नहीं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देकर के पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एन एवरेज ऑफ पोजिशन. तो या तो मीडियन होगा या फिर मॉड. एंड वॉट डू यू थिंक अबाउट एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन इज एन एवरेज ऑफ मैथमेटिकल एवरेज. एरिथमेटिक मीन इज ए मैथमेटिकल एवरेज, वो तो मैथमेटिकल है, और ये दोनों कैसे हैं, एवरेज ऑफ पोजिशन. सो टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, एरिथमेटिक मीन. एरिथमेटिक मीन, चाहे इसको एरिथमेटिक मीन बोल देंगे, एवरेज बोल देंगे, एक ही बात है. ठीक है, एरिथमेटिक मीन बोल दो, मतलब समांतर माध्य बोलते हैं इसको, एरिथमेटिक मीन है, एवरेज है, ओनली मीन भी इसको बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन या फिर मीन. ओके, अब ये जो थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिनका यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, हर टाइप का जो है वो सबके तीन तीन टाइप्स है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड देन ग्रुप्ड सीरीज. सबके हम तीन टाइप से स्टडी करेंगे. जैसे एरिथमेटिक मीन है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरिथमेटिक मीन. फर्स्ट है फोर इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज फोर डिस्क्रीट सीरीज एंड द थर्ड इज फोर ग्रुप्ड सीरीज. तीनों को फिर से थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है. सो वी विल स्टार्ट एरिथमेटिक मीन एंड फ्रॉम द इंडिविजुअल सीरीज. इसका भी फर्स्ट पॉइंट द फोर इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी पर्सन की या किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स की या किसी भी सैलरी, किसी भी कंपनी है उसके एम्प्लॉयज की सैलरी की, मतलब इंडिविजुअल बात करेगा जो भी करने वाला है. ठीक है, सो फॉर इंडिविजुअल सीरीज, आ रही बात समझ में, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ. एरिथमेटिक मीन है, इसका हम थ्री टाइप से स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट है फोर इंडिविजुअल सीरीज, द सेकेंड इज
फोर डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज फोर ग्रुप्ड सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्क्रीट या ग्रुप्ड सीरीज से आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। सो फॉर इंडिविजुअल सीरीज वी हैव अ फॉर्मूला एरिथमेटिक मीन, ए एम मीन्स एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है उनका हम सम करेंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन होंगे उन सब का हम सम करेंगे और उस सम को डिवाइड करेंगे किससे, जितने भी वो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे। अरे बात समझ में, क्या पढ़ रहे हैं हम, एरिथमेटिक मीन, एंड इसका भी फर्स्ट टाइप फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, एंड फॉर इंडिविजुअल सीरीज द फॉर्मूला इज एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है उनका सम करेंगे और उनको हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना फॉर्मूला, जब भी क्वेश्चन पूछे फॉर्मूला आपको डेफिनेटली लिखना है, बिकॉज ईच फॉर्मूला कंटेन्स हाफ मार्क्स, पर फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स आपका रिड्यूस हो सकता है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है मार्क्स obtained by class 10th, marks obtained by class 10th students in mathematics are, कैसे नंबर है, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 10, 6 4 एंड 3, दीज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन मैथमेटिक्स, फाइंड द एवरेज मार्क्स, फाइंड द एवरेज मार्क्स। ठीक है, अब यहां से देखिए इंडिविजुअल सीरीज कैसे हुई, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दैट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। सो दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज एंड हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 10। ठीक है, क्लास 10th है, उसके स्टूडेंट्स है, उनके मैथमेटिक्स में जो मार्क्स है उनका एवरेज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज, एज वी नो दैट एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन जो भी गिवन है उनका सम। ठीक है, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, तो इनका सम 7 + 8 + 9 + 6 + 5 + 4 + 10 + 6 + 4 + 3। ठीक है, डिवाइड बाई हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर दीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दीज आर 10 ऑब्जर्वेशंस। सो एवरेज मार्क्स इन इन मैथमेटिक्स आर, अब क्या करेंगे, पहले इनका सम करेंगे, सो 7 + 8, 15, 15 + 9, 24, 24 + 6, 30, 30 + 5, 35, 35 + 4, 39,
49 plus 10 49 49 plus 6 49 plus 6 55 55 plus 4 59 and 59 plus 3 62. So 62 divided by 10 and 60 divided by 2 means 6.2 marks. These are the average marks of mathematics in class 10. Average marks in mathematics of class 10. मतलब कक्षा जो 10 है क्लास 10th है उस क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो एवरेज मार्क्स है वो है 6.2 मार्क्स. अब 6.2 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि लगभग कि सभी बच्चों के 6.2 ही नहीं है, नहीं, एवरेज है. कुछ स्टूडेंट्स इससे कम भी है, कुछ इससे ज़्यादा भी है. ओवरऑल मिलाकर के एवरेज हम निकाले लमसम दैट इज इक्वल टू 6.2 मार्क्स. दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज जब भी हमारे पास गिवन हो बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एवरेज बोल दो, एरिथमेटिक मीन बोल दो या फिर ओनली मीन बोल दो, एक ही बात है. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, दीज आर ऑब्जर्वेशंस और ये है इनकी क्वांटिटी, इनका नंबर कितनी संख्या है. दीज आर 10 ऑब्जर्वेशंस, दीज आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. आ रही है बात समझ में. एक और इसका क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन. चलिए वन मोर एग्जाम्पल. सपोज वी हैव ए क्वेश्चन, फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता चले व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, स्पेशली इनके बारे में बताने के लिए. व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्राइम नंबर के बारे में कंफ्यूज होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई डोंट नो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द प्राइम नंबर्स. तो पहले आप यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में लिखिए थोड़ी सी बात. प्राइम नंबर्स एक्चुअल में प्राइम नंबर होते कौन से हैं? प्राइम नंबर्स द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिनके केवल दो ही फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ. और इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ, जो या तो वन से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो, वो होते हैं प्राइम नंबर्स. वन से तो सारे डिविजिबल होते हैं. सो इसकी सबसे बड़ी कंडीशन, द नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ आर नोन एज द प्राइम नंबर्स, द नंबर्स. ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लें आप. द नंबर्स विच आर डिविजिबल, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इट्सेल्फ आर नॉन एज प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन एक्सेट्रा. टू केवल ऐसा नंबर है जो केवल अपने आप से ही डिवाइड होता है. दिस इज नॉट डिविजिबल बाई अनदर नंबर एंड टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, क्योंकि दो के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, बाकी जितने भी, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे टू से डिविजिबल होंगे. बट टू केवल एक ऐसा इवन नंबर है जो अपने आप से डिविजिबल है. दीज आर द इवन प्राइम नंबर्स. अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, वो अपने क्वेश्चन पे. फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. सो नाउ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर, पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23.
एंड 29. दीज आर द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. दो जगह काफी बच्चों कंफ्यूजन होता है, एक तो वन के बारे में कि वन है वो भी केवल अपने आप से ही डिविजिबल होता है. सो दिस इज अ प्राइम नंबर. नो, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. आप उसको ना तो प्राइम कहेंगे ना कंपोजिट कहेंगे. एंड सिमिलरली नाइन के बारे में भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है. बट आपको केवल इतना ध्यान में रखना है, अगर कोई भी नंबर ऐसा हो जो अपने अलावा किसी दूसरे से डिवाइड हो जाए, दैट नंबर इज कंपोजिट. और नहीं हो देन दैट इज प्राइम. नाइन इज डिविजिबल बाई थ्री, अपने अलावा थ्री से डिविजिबल है. सो नाइन इज अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर. सो दीज आर द 10 प्राइम नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we have to find out their arithmetic mean, sum of all observations. So 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13, 17, 19, 23, 29. Divisible by how many prime numbers are these? These are 10 prime numbers. So एरिथमेटिक मीन सम करें इनका, 2 प्लस 3 5 प्लस के 5 10, ओके 7 प्लस 13 20, सो 10 प्लस 20 30, ओके 11 प्लस 19, 11 प्लस 19 कितना होगा 30, सो 30 प्लस 30 60, 17 प्लस 23 40, सो 60 प्लस 40 100 प्लस 29, सो 129 डिवाइड बाई 10, दिस विल बी इक्वल टू 12.9. This is the average. This is the average, or we can say this is the arithmetic mean of first 10 prime numbers. ये इनका mean हो गया. बहुत ही easy हैं, बहुत ही simple questions हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? Now we are studying about the individual series. Next example is the average of 8 consecutive odd number is 16. Find the numbers. क्या है कि लगातार 8 और नंबर्स भी कैसे हैं? दीज आर द ओड नंबर्स. ओड नंबर मीन्स द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2. ओके, लुक हियर, 1, 3, 5, 7, 9, दीज आर इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. दीज आर इवन नंबर्स, बट यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है कौन से 8 हैं और कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है. बट अगर हमें सपोज करना है तो इन नंबर्स के बारे में, इन नंबर में एक खास बात है. क्या? सपोज दिस नंबर इज 1, इससे नेक्स्ट नंबर कैसे आया? इसमें प्लस 2 करने पर, 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3. फिर इसमें प्लस 2 किया देन 5, इसमें प्लस 2 किया देन 7, इसमें प्लस 2 किया देन 9. सिमिलरली इसमें प्लस 2 करेंगे 4, इसमें प्लस 2 देन 6, इसमें प्लस 2 देन 6, इसमें प्लस 2 देन 10. मतलब ये इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू अ सेम पैटर्न. ठीक है, पहले वाले नंबर में प्लस 2 करो, नेक्स्ट नंबर आएगा. तो सपोज इफ आई से लेट दिस नंबर इज x, देन दिस नंबर विल बी, इसमें प्लस 2 करूँ x प्लस 2, ये कैसे आएगा? इसमें 2 प्लस करो x प्लस 4, ये कैसे आएगा? इसमें x प्लस 2 प्लस करो x प्लस 6. समझ गए होंगे बात? तो मतलब ये है कि अगर हमें अपनी तरफ से कोई सीरीज इमेजिन करनी हो इवन और ओड नंबर की, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, और यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 8. तो यहाँ से मैं क्या मान लेता हूँ, लेट द 8 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स आर, कौन कौन से हैं? x,
एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस टेन, एक्स प्लस ट्वेल्व एंड एक्स प्लस फोर्टीन. नाउ एवरेज, एवरेज को मैं एवीजी भी लिखूंगा, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. ओके, हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन व्हाट इज द एवरेज. एवरेज इज 16. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, एक्स, एक्स प्लस टू, फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस टेन, एक्स प्लस ट्वेल्व, एक्स प्लस फोर्टीन. दीज आर द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई एट. सो अगर सम करेंगे, x कितने टाइम आया, 8 टाइम, सो 8x प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 12 14, 14 प्लस सॉरी 42 प्लस 14 कितना हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 8. नाउ न्यूमरेटर दोनों 8 से डिविजिबल है, सो 8x डिवाइड बाई 8, 56 डिवाइड बाई 8. सो 8x को 8 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट x प्लस 7. सो x विल बी इक्वल टू 16 माइनस 7, देन x इज इक्वल टू 9. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सो द नंबर्स आर, सो द नंबर्स आर, कहां से स्टार्ट किया था हमने, x से. सो x इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 2 11, 13, 15, 17, 19, 21 and 23. These are the 8 consecutive odd numbers whose average is 16. बिल्कुल easy type के questions हैं और इस तरीके से हम इनका solution कर सकते हैं. ठीक है, let us take one more example. एक और example हम इसका लेते हैं. If the arithmetic mean of the marks, arithmetic mean of the marks 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 is 4, then find the value of x. मतलब कुछ numbers हमें given है और उनका average हमें given है. Since we know that average is equal to, फॉर्मूला तो लगाना है हर बार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ओके, इट इज गिवन दैट द एवरेज इज 4. व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, 3 प्लस 4 प्लस 8, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x एंड देन 3 टू 1, 3 प्लस 2 प्लस 1, दीज आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 8. सो 4 प्लस, ऐड कीजिए, x तो वेरिएबल है, ऐड होगा नहीं, 3 प्लस 4 8 प्लस 12 20 25 सॉरी 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 6 26.
Now this time this numerator is not divisible by the denominator, so we will do the cross multiply. So x plus 26 will be equal to 8 into 4, 8 fours are 32. So x will be equal to 32 minus 26. X is equal to 6. This is the answer of the given question. तो इस तरीके से ये जो इंडिविजुअल सीरीज हमें गिवन है इसके आंसर क्वेश्चन है वो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हमने स्टार्ट किया टॉपिक, टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दिस चैप्टर कंटेंस वन क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसे कई बार 1-2 क्वेश्चन दे देता है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं एवरेज। एवरेज इज ऑफ टू टाइप्स, मैथमेटिकल एवरेज एंड एवरेज ऑफ पोजिशन। अगेन द मैथमेटिकल एवरेज इज ऑफ 3 टाइप्स, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इनमें से हम केवल स्टडी करेंगे एरिथमेटिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर नॉट इन आवर सिलेबस। एंड देन सेकेंड है एवरेज ऑफ पोजिशन, मीडियन एंड मोड। इन दोनों का भी डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया फर्स्ट पॉइंट एरिथमेटिक मीन। फिर से एरिथमेटिक मीन को हम 3 सीरीज में डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड ग्रुप्ड सीरीज। एरिथमेटिक सीरीज है नॉर्मली से क्वेश्चन से एग्जाम में हमारे से नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन है वो या तो डिस्क्रीट सीरीज या ग्रुप्ड सीरीज है वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी इसका हमारे लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एरिथमेटिक मीन बोल दो, एवरेज बोल दो या फिर ओनली मीन। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। बस इसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चंस हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों को याद रख, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू सीरीज डिस्क्रीट सीरीज के साथ। टिल दैट थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।